Assalamu alaikum, dear students. I am Ramzan Ajmal from Elysium College, Lodhra. इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री के MCQs डिस्कस करने होंगे. केमिस्ट्री सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर, जिसमें पहला MCQs है अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ. बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जब भी डबल बॉन्ड होगा हमेशा फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होता है और रिमेनिंग बॉन्ड्स पाई होते हैं. तो डबल बॉन्ड में क्या बनेगा, इसका सूटेबल आंसर बीटा बनेगा, वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड. अगर हम सेकेंड MCQs देखें, बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड इज कॉमनली नाउन एज, इस कॉमन नेम मस्टर्ड गैस. आंसर अल्फा होगा. मिथाइल ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जिससे आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और सल्फोनेशन आसान रहती है. MCQs नंबर 4 देखें. व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड फॉलोड बाय द एसिड हाइड्रोलिसिस द प्रोडक्ट फॉर्म इज. अच्छा, ये MCQs चैप्टर नंबर 10 में भी लिखा हुआ है, ग्रिग्नार रिएजेंट के रिएक्शन में भी और एक्सरसाइज में भी लिखा हुआ है. इसके रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बीटा, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा. इसी तरह MCQs नंबर 5, द सॉल्यूशन ऑफ विच एसिड इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पिकल. अचार बनाने के लिए हम कौन सा एसिड इस्तेमाल करते हैं. तो ये MCQs चैप्टर नंबर 13 में से है और इसका आंसर होगा अल्फा एसिटिक एसिड. ये इसके यूजेज में लिखा हुआ है. इसी तरह MCQs नंबर 6, विच द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिएक्ट विद कीटोन. कीटोन के साथ कौन रिएक्ट करेगा. अगर हम बात करें टॉलिन टेस्ट की या फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये तमाम एल्डिहाइड्स के लिए हैं. तो इसका सूटेबल आंसर डेल्टा बनता है, ग्रिग्नार रिएजेंट रिएक्ट करता है. MCQs नंबर 7, विच कंपाउंड विल हैव द मैक्सिमम रिपल्शन विद द वाटर. एक्चुअली वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, तो आपको मोस्ट या नॉन पोलर मॉलिक्यूल देखना होगा. तो इसका सूटेबल आंसर चार्ली बनता है, बेंजीन C6H6 होगा. द नेक्स्ट MCQs इज MCQs नंबर 8, विच कंपाउंड इज यूज एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट इन द ऑटोमोबाइल रेडिएटर. ये MCQs चैप्टर नंबर 11 में लिखा हुआ है, यूजेज ऑफ अल्कोहल में. वहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास इसका आंसर अल्फा है, मिथाइल अल्कोहल मेथनॉल के यूजेज में लिखा हुआ है. मेथनॉल एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है. इसी तरह MCQs नंबर 9, MCQs नंबर 9 है वेजिटेबल फैट्स आर. अच्छा, ये MCQs चेंज हुआ है. हमारे पास चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज में लिखा हुआ था वेजिटेबल ऑयल आर, लेकिन उसने चेंज करके यहाँ लिखा हुआ है वेजिटेबल फैट्स आर. फैट्स हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा चार्ली, ग्लाइसराइड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा. लेकिन जो हमारे पास एक्सरसाइज में था वहाँ पर क्वेश्चन में ऑयल था, जिसके लिहाज से डेल्टा आंसर बनता था, लेकिन यहाँ पर आंसर चार्ली बनेगा. इसी तरह MCQs नंबर 10 देखें, मेजर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र आर. नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र हमने कौन कौन से पढ़े हैं चैप्टर नंबर 15 में. तो मेजर फर्टिलाइज़र आंसर अल्फा हमने पढ़ा था, यूरिया एंड अमोनियम नाइट्रेट है. इसी तरह MCQs नंबर 11, द सब्सटेंस विच डायरेक्टली किल द अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, चैप्टर नंबर 16, और टॉपिक था पेस्टिसाइड्स का. हेडिंग का ही नाम है, चार्ली ऑप्शन होगा, पेस्टिसाइड्स होगा. एटम का साइज इंक्रीज होता है तो मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा. MCQs नंबर 13, द मिनरल CaSO4.2 वाटर मॉलिक्यूल हैज अ जनरल नेम ऑफ. आपको मालूम है, सिंपल सा फार्मूला है, इसका कॉमन नेम होता है डेल्टा जिप्सम. तो आंसर होगा डेल्टा. इसी तरह MCQs नंबर 14, विच एलिमेंट फॉर्म एन आयन विद द चार्ज 3+3. ये सबसे आसान MCQs था. आंसर होगा बीटा, एल्यूमिनियम +3 चार्ज शो करता है, ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है. MCQs नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशी हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन.
देखिए बेटा, इसमें हमारे पास जो आंसर है वो अल्फा बनेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन O2 में हमने MOT में पढ़ा था कि एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर ऑप्शन बीटा देखें तो O2 प्लस है, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो बाकी हमारे पास एक अनपेयर्ड बच जाएगा, तो सूटेबल आंसर अल्फा हो सकता है। इसी तरह MCQs नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड इज अ वीकेस्ट एसिड इन द सॉल्यूशन। कौन सा हमारे पास वीकेस्ट एसिड है? सिंपल है, जो वीकेस्ट वो होगा जो हाइड्रोजन डोनेट नहीं करेगा। तो इसका आंसर चार्ली बनता है, HF, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन इंट्रैप्ड होता है बिटवीन टू सल्फर, बिटवीन टू फ्लोरीन एटम्स। इसी तरह लास्ट MCQs, MCQs नंबर 17, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लाटिनियम इन, आगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखें बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट देखें, इसके अंदर हमारे पास प्लाटिनियम के साथ एक क्लोरीन, एक NO2 नाइट्रो ग्रुप है और 4 अमाइन ग्रुप है। इन तमाम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है हमारे पास, इनकी हमारे बनता है हमारे पास, ये तमाम मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। इन तमाम को काउंट करें तो हमारे पास आंसर डेल्टा बनता है 6, और ये एक्सरसाइज का भी MCQs है। होप सो आपके सब तमाम MCQs ठीक होंगे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिमेनिंग एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।